और अब बात करते हैं उस विधि की, जिस विधि से आपको अपने घर में यंत्र स्थापित करना चाहिए। पंडित जी, ये जब भी हम चर्चा करते हैं और आप बहुत इजी तरीके से भी बताते हैं कि देखिए, आप जानकारी हो तभी कुछ करें। यंत्र की बात हम करते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि मंत्र और यंत्र, जैसे आपने ये भी एक्सप्लेन किया, एक ही पहलू होते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि अगर यंत्र की जब हम स्थापित करें तो प्राण प्रतिष्ठा डाला जाता है, उसको ये भी समझा जाए? क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा के यंत्र की स्थापना कैसे होगी जी? अब ये प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा उसको कहते हैं जिसको आप हटा सकते हैं यहाँ वहाँ। अचल प्रतिष्ठा उसको कहते हैं जो एक जगह फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, उसको आप इंच भर हिला नहीं सकते, सेंटीमीटर भर हिला नहीं सकते, ठीक है ना? जी जी। तो कहने का मतलब यह है कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार के दिन मध्य भाग में या सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए और पंचामृत से यंत्र की शुद्धि करिए, हल्दी, चंदन, अक्षत और फूल अर्पित करिए और फिर इसकी स्थापना सही दिशा में करिए। और हाँ, अगर संभव हो तो किसी विद्वान और सदाचारी शुभकर्मयुक्त ब्राह्मण को अपने घर बुला लीजिए और उसके द्वारा, मंत्रोच्चार के द्वारा आप अपने घर में यंत्र की स्थापना करिए। दशहरा, नवरात्रि, शिवरात्रि या अबूझ मुहूर्त में भी यंत्र स्थापित कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो जान लीजिए कि सीखने में कोई बुराई नहीं होती है। आपको कुछ नहीं आता, इसमें क्या बुराई है? लेकिन आप सीखे ना, इसमें बुराई है। अगर आप पूजा पाठ में रुचि है आपकी और आप पूजा पाठ करके पूजा पाठ के चमत्कार को देखना चाहते हैं, भक्त देखिए चार प्रकार के होते हैं, अर्थार्थ, जिज्ञासु, आर्ताच, ज्ञानी। एक भक्त तो होता है जिसे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और एक भक्त वो होता है जो ये देखता है कि अच्छा देखो इन यंत्रों में कोई शक्ति है, वो पूजा करता है मन लगा करके, यंत्रों के तेज को, यंत्रों के महत्व को समझने के लिए। और एक होता है आर्त भक्त, जिसको अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, बस भगवान तेरी शरण है, आर्त होता है। और एक होता है ज्ञानी, जिसे कुछ मिले या ना मिले लेकिन वो ज्ञानी है, उसे पता है कि इसका लाभ मिलेगा। तो जिस भी भाव से यंत्र को आप पूज रहे हैं, यंत्र को अपने घर या कार्य क्षेत्र में, स्थान में स्थापित करिए और जहाँ से यंत्र के हर रोज दर्शन हो सकें और वो शुद्ध भी रहे, ऐसे जगह उसकी स्थापना करें। लेकिन जैसे आए दिन मुझे सुनने को मिलता है कि श्री यंत्र घर में स्फटिक का है, पूजा करते समय हाथ से छूट गया, टूट गया, तो टूटे हुए श्री यंत्र की पूजा फिर नहीं की जाती है, उसको लाल कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित ही करना चाहिए। यंत्र का टूटना, खोना या चोरी होना ये बहुत बड़ा अपशकुन है, तुरंत उसकी जगह पर दूसरे यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और उसकी शुद्धि करके उसको फिर से स्थापित करना चाहिए। अगर यंत्र टूट रहा है या यंत्र कोई चुरा ले गया, ये बहुत बड़ा मतलब कि अशुभ है, इसके लिए तत्काल आपको दूसरे यंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।